सिवांश एंटरप्राइजेस हमारे यहाँ हर प्रकार की बिस्लेरी की पानी की बोतलें उपलब्ध है। हमारा पता सूरज कुंड वार्ड क्रमांक 3 खंडवा। हमारे यहाँ शादी पार्टी के आर्डर भी लिए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य देवे। श्रीमान सर्वविदित है कि अभी जो कक्षा 10वीं और 12वीं की जो है एग्जामिनेशन का समय चल रहा है और एग्जाम जो है वो चल रही है। अभी वर्तमान में देखा यह गया है कि आज दिनांक को सुंदर भाई गुप्ता जो सिविल लाइन क्षेत्र में है, सुंदर भाई गुप्ता स्कूल से कक्षा 12वीं की एक मुस्लिम छात्रा जो है उसका बुर्का जो है वो चोरी हुआ। वहां से जहां पर उस छात्रा ने अपने बैग को रखा था उस जगह से उसके बुर्के को चोरी कर लिया गया। और पूर्व में भी ऐसी हरकत एक बार और हो चुकी है जो कि एमएलबी स्कूल के अंदर, एमएलबी स्कूल मोगट रोड से जब देखा गया कि वहां से भी एक बार अभी 12वीं की कक्षा एग्जामिनेशन के चलते ही एक बुर्का वहां पर से भी चोरी हुआ। अब चोरी होने के पीछे क्या कारण है, ऐसे कौन से शरारती तत्व है जो ऐसे काम को अंजाम दिलवाने के काम कर रहे हैं और ये उल्टे सीधे काम करवा रहे हैं। हिजाब जो होता है, बुर्का जो होता है, वो मुस्लिम समुदाय के अंदर उसका बड़ा महत्व है। जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, इस बुर्के को अपनी इज्जत और आबरू समझती है, तो उसकी इज्जत के साथ में खेलने वाला काम जो है वो ऐसे शरारती तत्व जो है कर रहे हैं या करवा रहे हैं। और इसके पीछे आखिर किसका हाथ है? अभी लगातार हम देख रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 साल 18 साल 16 साल 17 साल 18 साल जैसे जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के अंदर भी तासुब का इतना जहर घोल दिया गया है कि वो जो बच्चे हैं वो भी एक दूसरे से हिकारत करते हुए फिर रहे हैं। तो आखिर ये सारे काम करवा कौन रहा है? अभी पूर्व में हमने देखा एसएन कॉलेज में एक छात्र था जो कि मुनहाड़ा का निवासी था, उसके साथ में मॉब लिंचिंग हुई थी और वो मॉल के नीचे जो है पार्किंग के अंदर उसके साथ मारपीट की गई। तो ये क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? ये जो काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम ये वो जो हो रहा है, ये जहर की फिजाएं जो है ये खत्म होनी चाहिए। और इसी के चलते अभी हम लोगों ने सिटी कोतवाली के अंदर एक एप्लीकेशन दिया है कि ऐसे कृत्य जो लोग कर रहे हैं और जो लोग करवा रहे हैं बच्चों से, मासूम बच्चों को जो बहकाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो और सीसीटीवी फुटेज वगैरह के माध्यम से उसकी जांच कराई जाए कि ये कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है। बस इसी उद्देश्य से हम लोगों ने यहाँ पर अभी एक एप्लीकेशन दिया है और एक जो है हम थाना मोगत रोड में भी देने जा रहे हैं। हम कोतवाली थाना में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय से शिकायत लेकर मिलना आए थे कि आज सुंदरबाई स्कूल जो स्कूल है वहां से बुर्का, जिसे हम हिजाब भी कहते हैं, वो चोरी होने का मामला आया। पूर्व में भी एमएलबी स्कूल में इस तरह की वारदात हो चुकी है, तो उसी विषय को लेकर और उसी की शिकायत लेकर, नाराजगी को लेकर हम यहाँ पर श्रीमान थाना प्रभारी महोदय से निवेदन करना आए थे कि ये बहुत ही गंभीर विषय है और सीसीटीवी फुटेज उसको खंगाला जाए कि इस घटना को कौन अंजाम दे रहा है और त्वरित जिसके साथ में घटना घटित हुई जिन बच्चों के साथ में उनको न्याय दिया जाए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे भारत रत्न श्री भीमराव अम्बेडकर जी और उस दौर के हमारे जो विद्वान थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्होंने मिलकर 2 साल से ज्यादा समय में भारत का संविधान बनाया, विश्व के समस्त देशों का भ्रमण करके वहां के संविधान को लेकर यहाँ पर एक संविधान बेहतरीन हमें दिया। तो ये संविधान जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो उसी के अंतर्गत हिजाब भी आता है, बुर्का भी आता है कि हम एक चीज को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें शंका जाती है कि ये परेशान किया जा रहा है शरारती तत्वों के द्वारा, जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। ये चीज नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा स्कूल प्रशासन वालों से कि इस तरह की घटनाओं पर जो है अंकुश लगाया जाए और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से त्वरित ये चीज मालूम की जाए कि इस घटना को किसने अंजाम दिया जाए और उन्हें उन व्यक्ति के ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाए, हमारी डिमांड है।